लड़की को बॉलीवुड वालों ने टारगेट किया, इस लड़की को बॉलीवुड वालों ने दरकिनार किया, इस लड़की को बॉलीवुड वालों ने कह डाला कि भाई ये तो मेंटल है। लेकिन ये लड़की जब जब वापस आती है तब तब बॉलीवुड वालों को सबक सिखा कर जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डेली खजाना, मैं राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी है। चलिए बात कर लेते हैं तेजस के उस अमेजिंग ट्रेलर के बारे में जिसने कि हमें देशभक्ति से ओतप्रोत एक ऐसा खूबसूरत दृश्य दिखाया है जिसे सच में कहना चाहता हूं सलाम। कंगना रनौत बन गई है तेजस गिल, और कंगना को तो हम जानते ही हैं, शी इज लाइक अ कैमेलियन। उन्हें कोई भी कैरेक्टर दे दो, उन्हें किसी तरीके का कैरेक्टर दे दो, वो उसमें फिट ऑन हो जाती हैं। कंगना रनौत की यही खासियत है जिसकी वजह से वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार्स में से एक हैं। हालांकि फीमेल मेल ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यस ये कहना चाहूंगा कि बाकी सब कम, कंगना सबसे नंबर वन। अब दोस्तों तेजस का ट्रेलर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड है। तेजस गिल यहां पर देशभक्ति से ओतप्रोत वो एयरफोर्स ऑफिसर है जो कि अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। तेजस गिल में वो सारी खूबियत है, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज पोर, शी इज स्मार्ट, एंड यस देशभक्ति से ओतप्रोत वो जज्बा है जो कि यंगस्टर्स को काफी ज्यादा इंस्पायर कर सकता है। मुझे पर्टिकुलरली तेजस के डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, चाहे छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, या फिर जब भारत की जब देश की बात आती है तब दोबारा क्या सोचना, जो कुछ ऐसा डायलॉग है, या फिर कंगना के और भी मातृभूमि से जुड़े हुए डायलॉग्स। मुझे सच कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिंगोइस्टिक है, ये है वो है, अरे भाई देश की बातें करनी है तो जिंगोइज्म तो आएगा ही आएगा, वो तो भाई होगा ही होगा, हम भारतवासी हैं, ये तो हमारे खून में है। देशभक्ति की बात है तो कंगना नंबर वन पर है, फीमेल सुपरस्टार की बात है तो कंगना नंबर वन पर है। तो मैं कहना चाहता हूँ बॉलीवुड वालों, यार कुछ तो थोड़ा सा सीखो कंगना से, क्योंकि कंगना में जो टैलेंट है, जिस तरीके की उनकी फिल्में आती हैं, यही कहना चाहूँगा यार थोड़ा सा रॉकी रानी टाइप्स का बनाना बंद कर दो। अब बहुत ज़माना बदल चुका है, अब तेजस का ज़माना आ चुका है, या फिर एक फ्रेश टैलेंट का ज़माना आ चुका है। वैसे तो ट्रेलर में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पे वो ट्रोल भी हो रही है, जैसे कि इसके VFX ऐसे हैं, इससे बढ़िया तो गेमिंग VFX है। ओ भाई, पहले इसका बजट पता कर लो, उसके बाद बात करो। जितने बजट में आपने इस फिल्म को दिखाया है, वो देशभक्ति का जो जज्बा जगाया है लोगों के दिल में, उसके लिए हैट्स ऑफ है। और प्लस VFX तो भाई, जब बाहुबली का ट्रेलर और टीजर रिलीज किया गया था तब तो उनका वीक ही था, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव हुआ था। इनफैक्ट यही कंप्लेन जो है मार्वल्स के साथ भी हुई थी, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी 27 तारीख दूर नहीं है, बस आ गई थोड़े दिनों में, और कंगना रनौत फिर से एक बार देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म के लिए जानी जाएंगी। एंड यही कहना चाहूंगा कि तेजस गिल बनके वो फिर से एक बार राज करने वाली हैं। एक बार किया था उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई बनके देशभक्ति से ओतप्रोत, और एक बार अब तेजस। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। व्हाट अबाउट यू गाइस? कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। थोड़ी बहुत जो चीजें हैं, जो इसके VFX को लेकर चीजें कही जा रही हैं, भाई उनको इग्नोर करो यार, VFX इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन क्या एक्टिंग इस तरीके की जा सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। चलता हूँ, बाय बाय।